जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ चीजें जो हैं शायर के लिए यूज होती हैं, ठीक है। फागुन खामोशी रे नाई या खामोशी रे मासेन, एक ही बात है, खामोशी रे नाई या खामोशी रे मासेन जो है वो मस फॉर्म है खामोशी रे मासेन, और देशो, ठीक है। इन तीनों में क्या फर्क है और ये कैसे इस्तेमाल होता है आज हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। देखिए, ताबुन का मतलब है शायद, ठीक है, प्रोबेबली होपफुली, तो शायद के लिए हम ताबुन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, वो शायद आज नहीं जाएगा, वो शायद आज नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करे वा थाबुन क्यों इकी मासें, ठीक है। करे वो थाबुन क्यों इकी मासन, आज नहीं जाए, वो शायद आज नहीं जाए। अगर हम कहना चाहें कि वो आज शायद नहीं जाएगा, करे वो क्यों थाबुन इकी मासन या इकनाई, ठीक है। यहां थाबुन किसको मेंशन कर रहे हैं, क्यों को, कि रोज तो जाता है लेकिन शायद आज नहीं जाएगा, और शायद की बात है, ठीक। यहां क्या बात हो रही है, जाने पे जरूर है कि वो आज शायद ना जाए, वो आज शायद ना जाए, ठीक है। शायद वो नहीं जाएगा यानी कोई और चला जाए। थाबुन करेवा क्यों इकिमासेन, ठीक है। तो थाबुन का इस्तेमाल देख रहे हैं आपके, जिस चीज को आपने शायद कहना हो, गालिबन कहना हो, उससे पहले थाबुन लग जाता है। यहां पे क्यों से पहले थाबुन इसलिए लगा है कि बात जोर दिया जा रहा है कि आज शायद ना जाए, रोज तो जाता है, आज शायद ना जाए। यहां किस पे जोर लग रहा है, जाने पे, करतरे वा क्यों थाबुन इकानाई, शायद ना जाए, कुछ और कर ले, ठीक। करे वा क्यों थाबुन इकानाई, शायद आज जाएगा नहीं, कुछ और करेगा। तो इकू पे बताया जा रहा है कि शायद वो जाएगा नहीं, कुछ और कर लेगा। यहां पे क्या हो रहा है, शायद आज ना जाए, और यहां क्या हो रहा है, थाबुन करे वा क्यों इकिमासन, शायद वो आज ना जाए। तो यहां पे जोर दिया जा रहा है कि वो शायद ना जाए, शायद इसको किया जा रहा है उसको, कि वो शायद ना जाए, उसका तो और चला जाए, मैं चला जाऊं, तुम चले जाओ, तो साबुन खरे वा क्यों इकी मास है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, आज शायद संडे है, क्यों हुआ थाबुन नीची होगी जिसने, क्यों हुआ थाबुन नीची होगी, आज शायद संडे। तो मेरे ख्याल में ताबुन इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो ताबुन वाली बात जो है वो होपफुली क्लियर हो गई है कि शायद के लिए लगता है, ठीक है। अब खामोशीरे मासेन या खामोशीरे नाई क्या है, देखिए, ताबुन जिस चीज को आपने शायद करना उससे पहले लगता है, लेकिन खामोशी रे नाई जो है वो जुमले के आखिर में लगता है। तो खामोशी रे मासेन और थाबुन में फर्क ये, खामोशी रे मासेन या खामोशी रे नाई जो है वो जुमले के एंड पे आता है। मिसाल के तौर पे, शायद आज संडे, ठीक है, हमने थाबुन में क्या पढ़ा था, क्यों हुआ थाबुन नीचे होगी,
लेकिन यहां क्या हो जाएगा, क्यों हुआ निचियो भी खामोशीरे मासे या खामोशीरे नाई, क्यों हुआ निचियो भी खामोशीरे नाई। आज इतवार है शायद, ठीक है, वो नहीं आएगा शायद। करेवा कोनाई कमो शीरे मसें। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि उससे पहले अगर वर्ब है तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगेगी, मस फॉर्म नहीं लगेगी। मस फॉर्म आप खमोशीरे मासेन के साथ लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन खमोशीरे मासेन से पहले जो वर्ब की, ऐसा नहीं होगा करेवा की मासेन खमोशीरे नहीं, करेवा कोनाई खमोशीरे मासेन। ठीक है, तो खमोशीरे मासेन हमेशा जुमले के एंड पर होते हैं। ठीक है, ये शायद पुरसुकून शहर है, कोरेवा शिजुका नामाची, माची की खांजी खामोशी मासन या खामोशी नाई, कोरेवा शिजुका नामाची खामोशी नाई। नाउन के बाद डायरेक्ट आप खामोशी नाई लगाते हैं, देश या दाव वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपका ये शहर पुरसुकून है शायद क्या हो जाएगा, कोनो माची वा शिजुका खामोशी रहना या खामोशी रहे मास, कोनो माची वा शिजुका खामोशी रहे मास। ठीक है, तो ई एडजेक्टिव के बाद, ना एडजेक्टिव के बाद या नाउन के बाद दा या दिस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खामोशी रहे नाई या खामोशीरे मासेन लगा देते हैं। वर्ब अगर लगाएं तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगा दी। ठीक है, तो ये है थाबुन और खामोशीरे नाई में फर्क। खामोशीरे नाई हमेशा जुमले के आखिर में लगता है, और थाबुन जो है जिस चीज को आप शायद कहना चाह रहे हैं उस चीज के साथ लगता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम देशों पे। देशों जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, वर्ब दिस का मतलब है और दिस की फॉर्म रफ फॉर्म है दा, और दिशता का मतलब है था और इसकी रफ फॉर्म है दत्ता, और देशों का मतलब है होगा और इसकी रफ फॉर्म है दारो। क्या आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को याद रहे कि हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ये देशों भी बाद अवकात गालबन शायद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर करे वह खुरु देशो, वो आएगा ना शायद। ठीक है, देशों का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देशों दूसरे की राय को अपनी राय के साथ मिलाने के लिए भी यूज किया जाता है, और होगा के लिए भी यूज किया जाता है, और शायद के लिए भी यूज। क्यों आमे देशो, आज शायद बारिश होगी। ठीक है, तो होगी के मीनिंग में भी और शायद के मीनिंग में भी। तो खरेवा वताशिनो खरेवा अनातानो तोमोदाची देशो, खरेवा अनातानो तोमोदाची देशो, वो तुम्हारा दोस्त है ना शायद, वो तुम्हारा दोस्त है शायद, या तुम्हारा दोस्त है ना। तो देशो भी यूज होता है शायद के लिए, लेकिन ताबुन और कमोशिरनाई ज्यादा यूज होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ताबुन कमोशिरनाई और देशो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेहनत करें। N4 बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, N5 के बाद जितनी मेहनत आप N5 में करते हैं उससे 20% कम मेहनत में आपका N4 हो जाता है। तो N3 उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो N4 की मेहनत कीजिए, 2-3 महीने की मार है, मेहनत करेंगे तो 2 से 2.5 महीने में या 3 महीने में N4 कर लेंगे। हम नए नए टॉपिक्स इस पर पढ़ते रहेंगे। आप जो है वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा।